अरे बुद्धू। क्या हुआ मालिक? देख रहे हैं, आसमान में बादल ऐसे छाए हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी सुबह है या शाम है। अरे लेकिन घड़ी नाम की भी एक चीज होती है ना बेवकूफ, उसे देखकर भी समय का पता चल ही जाता है। खैर जाने दो, घर पर जितनी दाल और चावल है वो कितने दिनों तक और चल जाएंगी? अरे ना खाने पर जिंदगी भर चल जाएगी मालिक। ओ, लेकिन तीन वक्त खाना खाने के बाद कितनी चल जाएगी उतनी बता। लगभग 4 दिन तो चल जाएगा मालिक। अरे ये क्या, इतनी बारिश में अब कौन आ गया? जरा जाकर देखना। अरे बुद्धू, अरे बाप रे, आपकी पतली सूट की मौसी आई है मालिक। मौसी? आप? और वो भी इतनी बारिश में? हाँ मैं ही हूँ, मेरे घर की छत फूट गई है, इसीलिए तुम्हारे घर रहने आई हूँ रघु। देखे मालिक, मौसी की छत फूट गई है और आपकी किस्मत। तू चुप कर बुद्धू, जा जा यहाँ से, जाकर मेरे लिए भात बना और सुन, साथ में मछली भी बनाना। जाती हूँ मैं, जरा जाकर हाथ मुंह धो लेती हूँ, ठीक है? अरे बुद्धू रे, मुझे अभी बचा ले, इतनी बारिश में अब भला मुझे मछली कहाँ से मिलेगी बोल? बाजार की तो सारी दुकानें बंद हैं। इस बुद्धू के रहते हुए आप किसी बात की चिंता मत कीजिए मालिक, मौसी के लिए अभी इसी वक्त मछली पकड़ के ले आएंगे। हाँ जा बुद्धू जा, जल्दी से चला जा, बारिश की वजह से सभी तालाबों का पानी चारों तरफ फैल चुका है, इसीलिए रास्ते में तुम्हें जहाँ कहीं भी मछलियाँ दिख जाए वहीं पर ये जाल फेंक देना। मछली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, देखता हूँ जरा। अरे हाँ, पानी में ही तो मछली रहती है। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मालिक सही कहते हैं, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। आजकल मछलियाँ बहुत ही स्मार्ट हो गई है। मुझसे छुपने के लिए मछलियाँ पानी में रहने के बजाय पेड़ पर चढ़ रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो बुद्धू का कमाल। मरिया, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे बाप रे बाप, मुझे को बचाओ। अरे बाप रे, मुझे बचाओ, मैं तो लटक गया। कहाँ गया रघु? बुद्धू कहाँ है? अच्छा तुम लोग क्या मुझे खाना खिलाए बगैर यहाँ रखोगे हैं? ज्यादा देर से खाने पर मेरे पेट में अपच हो जाती है। रुकिए मौसी, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर ये बुद्धू गया कहाँ है। इस बेवकूफ से तो एक काम भी नहीं होता है, कहाँ चला गया ये? लेकिन अभी तक उसके आने का कोई नामो निशान तक नहीं मिला है। बचाइए,
मालिक मुझे बचाइए, मरिया मालिक, अरे मालिक मुझे बचाइए मालिक। अरे रे 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 रे, ऐसा लगा जैसे कि ये बुद्धू की आवाज थी। बुद्धू तुम कहाँ हो भाई? ए बेवकूफ, कहाँ है तू ये बता। ऊपर मालिक, ऊपर। क्या, अरे तुम आखिर इतनी ऊपर जल्दी कैसे चले गए? ये क्या, तुम वहाँ क्या करने के लिए चढ़ गए हो? वो मैं मछली पकड़ रहा था मालिक। क्या, पेड़ पर मछली? पहले मुझे यहाँ से उतारिए मालिक, उसके बाद में आपको सारी बातें बताऊंगा। मुझे पता था तुमसे कोई भी काम नहीं हो सकता। मेरी क्या गलती है मालिक, आपने ही तो कहा था कि जहाँ भी मछली दिखे वहीं जाल फेंक देना। मैंने मछलियों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था, इसलिए तो मैंने पेड़ पर चढ़कर जाल फेंका था मालिक। बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं बताऊँ मालिक? रहने दे, तुझे और भी कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे। ये लो रुपए। आप मुझे इस महीने का वेतन देकर मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं ना मालिक? चुप हो जा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये पैसे मछली खरीदने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन मालिक, बाजार में तो सभी दुकानें बंद हैं। तो क्या हुआ, ऐसी बारिश में कई सारे मछुआरे नदी में मछली पकड़ते हैं। जाओ और जाके उनसे मछली खरीद करके ले आओ। क्यों, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, मैं भाग कर जाऊंगा और दौड़ता हुआ मछली लेकर वापस आ जाऊंगा। अरे हाय 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 हाय, मछली के बदले जाल में मगरमच्छ फंस गया रे, अब क्या करें? हाँ, अगर इसे इस वक्त नदी में छोड़ देंगे तो ये सारी मछली खा जाएगी। इससे अच्छा इसे थैले में रख देते हैं, ठीक है? जाने से पहले इसे वापस पानी में छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे मछुआरे भाइयों, आप लोगों के पास क्या मछली है? अरे अभी तो हमने जाल फेंका ही है। लेकिन हमें एक मगरमच्छ मिला है। मांगुर मछली? बहुत बढ़िया, तो फिर मुझे वही दे दो। अरे ये आदमी क्या बोल रहा है, मगरमच्छ खरीदेगा? अरे जब ये पैसे दे रहा है तो फिर दे। इधर आओ भाई। अरे मिल गई, मांगुर मछली मिल गई। अरे रे, कितना उछल रही है, बहुत तेज मछली है। ची 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 ची, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे बिना खाना खिलाए ऐसे रखोगे तो फिर मैं कभी यहाँ नहीं आती। आपको तो पता ही है कि बारिश में बाजार की सारी दुकानें बंद रहती है। बारिश हो रही है, अरे ऐसी बारिश में मैं अकेले ही नदी तैर कर पार कर जाती थी, पता है? फिर से इनकी मनोरम कहानियाँ शुरू हो गई। मौसी को झेला ही नहीं जा रहा है, ये इस घर से कब जाएंगी पता नहीं। अगले 3 महीने तक मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी रघु। मौका मिलते ही उस बुद्धू को नौकरी से निकाल कर किसी और को काम पर रख लेंगे। 3 महीने? मालिक, ओ मालिक, मालिक, ये देखिए मालिक, मैं मांगुर मछली खरीद कर ले आया हूँ। अरे वाह, मांगुर मछली, लाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ, कैसी मछली ले आए? दिखाओ बुद्धू, मौसी को दिखाओ तो सही। देखिएगा तो फिर देखिए। <आहा,
अरे ये क्या है, मर गई रे। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा रे बाबा। नहीं ये क्या, ये तू क्या खरीद के ले आ गया रे बेवकूफ। ये तो मगरमच्छ का बच्चा है। इसे मेरी क्या गलती है मालिक, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि ये मांगुर मछली है। अरे मांगुर मछली नहीं कहा होगा, उन लोगों ने तुझे मगरमच्छ ही कहा होगा। राघव गलती हो गई तेरे घर आकर, मुझे तो घर जाना है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। बुद्धू रे ला मैं तेरा माथा चूम लूं। सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से ही आज मैं मौसी जी के अत्याचारों से बच गया। मैं बाल बाल बच गया रे बुद्धू। बड़ी अजीब बात है, थोड़ी देर पहले मालिक मुझे बातें सुना रहे थे और अब मुझसे प्यार कर रहे हैं। मालिक को कब क्या हो जाता है कुछ भी समझ में नहीं आता है।